बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास, ये उसका लेक्चर नंबर 47 है, जबकि ये एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज 27 प्लस 8x³। जी स्टूडेंट्स, इस पे जो फार्मूला लगेगा इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस 2x³। अब फार्मूला बन गया a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b². डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास 3 है जबकि b हमारे पास 2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2x इंटू 3² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2x². डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया a+b a² माइनस ab प्लस b². ये हमने बाहर बड़ी ब्रैकेट ज़रूर लगानी है ताकि बाहर ब्रैकेट ताकि ये वैल्यू इससे मिक्स ना हो जाए। तो ये आ गया 3 + 2x और ये 3² 9, इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये आ गया 6x और प्लस 4x². डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट है इसका 125x³ माइनस 216y³। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5³ और 216 को लिख सकते हैं 6³। यूँ ही आ गया 5x³ माइनस 6y³। ए हमारे पास 5x आ गया और बी हमारे पास 6y आ गया, तो a³ माइनस b³ का यहाँ पे फार्मूला लग गया। तो a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b². तो ये आ गया 5x माइनस 6y इंटू 5x² प्लस 5x इंटू 6y प्लस 6y² 5x माइनस 6y वैसे ही आ गया। 5x का जब स्क्वेयर लेंगे तो 5 का स्क्वेयर आ जाएगा 25, तो ये आ गया 25x². इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल किया तो ये आ गया प्लस 30xy और फिर आ गया ये प्लस 6 का स्क्वेयर 36 आ गया और y² आ गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, 64x³ प्लस 27y³। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसे हम लिख सकते हैं 64 को 4³, 4 × 16 और 16 × 4 = 64। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है 4x³ प्लस, और 27 को लिखा जा सकता है 3y³। यूँ ये बन गया 4x³ प्लस 3y³। तो ए आपके पास 4x आ गया और बी हमारे पास 3y आ गया। यूँ ये फार्मूला हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b². अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ गया 4x प्लस 3y इंटू 4x² प्लस 3y² माइनस 4x इंटू 3y। डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है, इसको पहले इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। 4x प्लस 3y इंटू 16x² प्लस 9y² माइनस 3 × 4 = 12xy। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, 8x³ प्लस 125y³। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने इसको लिखा 8 को 2³, तो ये अगर 2x³, 125y³ को लिखा 5y³, तो ये फार्मूला बन गया 1³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ जो होता है वो इक्वल होता है a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b², इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। तो 2x प्लस 5y इंटू 2x² प्लस 5y² माइनस 2x इंटू 5y, चूँकि a इसमें 2x है और b जो है वो 5y है। ये आ गया 2x प्लस 5y, ये 2x² लिया तो 4x² आ गया, 5y² लिया तो 25y² आ गया, इन दोनों को मल्टीपल किया तो आ गया 10xy। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 5y इंटू 4x² प्लस 25y² माइनस 10xy।